जब खालिद इब्ने वलीद को भेजा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने, जंगे यरमूक में भी उनके बहुत बड़ा किरदार था, उससे पहले पर्शियन अंपायर की जो बड़ी बड़ी फतुहात हुई है, कादसिया में तो सैयदना साद इब्ने अबी वक़ास गए थे, लेकिन उससे पहले जो इराक पूरा फतह किया है खालिद इब्ने वलीद ने, तो वो मतलब अपने मुखालफीन को खत लिखते थे और उसमें खत में सिर्फ एक जुमला लिखते थे कि तुमसे वो कौम लड़ने आ रही है कि जितना तुम अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते हो ना, उससे बढ़ के वो अपनी मौत को अजीज रखते हैं, क्योंकि शहीद होके जन्नत में नबियों का पड़ोस। सर जो बंदा जान हथेली पे इसलिए रख के निकल रहा हो कि मैंने मरना है, बाकी लोग तो जंग में लड़ने आ रहे होते हैं जीतने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए, और यहाँ पे वो कह रहे हैं हमने मरना है, तो सर वो फिर जाके रोमन और पर्शियन एम्पायर के घाटे ही फिट होंगे ना ऐसे लोग।